आज हम कुछ मोस्ट क्वेश्चनों की बात करेंगे। हमने पाचन तंत्र वाले लेसन 22 के मोस्ट क्वेश्चन हमने देख लिए थे। अब हम बात करेंगे लेसन 23वां श्वसन तंत्र, उसमें मोस्ट जो क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उनके बारे में हम ध्यान देंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चनों के बारे में। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका है कि श्वसन में प्रयुक्त ऊर्जा होती है, कि श्वसन में काम आने वाली ऊर्जा किस रूप में होती है या कैसी होती है। तो श्वसन में प्रयुक्त ऊर्जा होती है रासायनिक ऊर्जा, ध्यान देना, श्वसन में प्रयुक्त ऊर्जा होगी रासायनिक ऊर्जा। सेकंड क्वेश्चन, वायु ग्रहण करते समय तन्पुट हो जाता है, जब हम वायु को ग्रहण करते हैं तो तन्पुट नीचे की ओर खिसक जाता है, डायफ्राम यानी चपटा हो जाता है, तो तन्पुट क्या हो जाएगा, चपटा। तीसरा क्वेश्चन, निःश्वसन में होता है, निःश्वसन में क्या होगा, तन्पुट व बाह्य अंतःपार्श्व पेशियों में संकुचन, तन्पुट व बाह्य अंतःपार्श्व पेशियां संकुचित होंगी। समझ में आया क्वेश्चन कि निःश्वसन में क्या होगा, निःश्वसन जब होगा तो क्या होगा, तन्पुट और अंतरापार्श्विक जो पेशियां हैं वो संकुचित होंगी, तब जाके निःश्वसन होगा। चौथा क्वेश्चन है कि उच्च श्वसन में क्या होता है, इसके अपोजिट हो जाएगा, यहां संकुचन हो रहा है तो वहां पर शिथिलन हो जाएगा, तो तन्पुट व बाह्य अंतरापेशी पेशियां जो है वो शिथिल हो जाएंगी, शिथिलन, तो यहां पर शिथिलन होगा तन्पुट व बाह्य अंतरापार्श्विक पेशियों में। अगला क्वेश्चन है, विश्राम अवस्था में वयस्क की श्वसन दर कितनी होती है, तो विश्राम अवस्था में वयस्क की श्वसन दर 16 से 20 पर मिनट, जो बीट बोलते हैं, 16 से प्रति 16 से 20 श्वसन प्रति मिनट। क्वेश्चन नंबर 6, विश्राम अवस्था में ज्वारीय आयतन कितना होता है, हमने बात करी थी कि ज्वारीय आयतन निःश्वसन उच्छ्वसन में एक समान होता है, 500 ml या 0.5 लीटर। क्वेश्चन नंबर 7, फेफड़ों में श्वास नली की शाखाओं का अंतिम भाग क्या कहलाता है, तो जहां पर देखो हमने देखा था कि जो श्वास नली थी दो श्वसनियों में बट गई थी, और श्वसनिया श्वसनिकाओं में बट गई थी, और श्वसनिकाएं लास्ट वायुकुपिकाओं में खुल रही थी। तो देखिए, फेफड़ों में श्वास नली की शाखाओं का अंतिम भाग वायुकुपिकाएं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान पूर्वक आप देखिए। क्वेश्चन 8वां है, उच्च श्वसन के समय सीटी जैसी आवाज आना किस रोग का संकेत है, तो फेफड़ों में या सांस लेते समय और छोड़ते समय, सांस लेंगे तो कोई आवाज नहीं आना है, जैसे हम सांस को छोड़ेंगे तो सीटी जैसी आवाज आएगी, तो ये अस्थमा रोग की शिकायत है कि उस इंसान को या उस व्यक्ति को अस्थमा है, जैसे ही वो श्वसन करेगा सांस को छोड़ेगा तो सीटी जैसी आवाज निकलेगी। क्वेश्चन नंबर 9, कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों में किस रोग की संभावना अधिक होती है, तो कारखानों में जो लोग काम करते हैं उनको सिलिकोसिस नामक रोग की संभावना अधिक रहती है, जो लोग कारखानों में वह खानों में सिलिकोसिस की खानों में जो काम करते हैं उनमें सिलिकोसिस नामक रोग होने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। अगला क्वेश्चन 10वां, फेफड़ों की कुल क्षमता कितनी होती है, तो फेफड़ों की कुल क्षमता मतलब सामान्य अवस्था में श्वसन क्रिया, बलपूर्वक ली गई श्वसन क्रिया, इन मतलब टोटल जो एयर लंग्स में होती है, मतलब फेफड़ों में जो वायु ग्रहण की जा सकती है उसकी कुल क्षमता होगी 5800 ml। क्वेश्चन नंबर 11, तन्पुट कहाँ स्थित होता है, यानी डायफ्राम कहाँ स्थित होगा, तो तन्पुट वक्ष गुहा के नीचे स्थित होता है, वक्ष गुहा के नीचे, तन्पुट कहाँ स्थित होगा, वक्ष गुहा के नीचे।
अगला क्वेश्चन है कि निःश्वसन पेशियां हैं, भाई निःश्वसन में काम आने वाली पेशियां कौन कौन सी हैं? तो निःश्वसन में इंटरकोस्टल पेशियां काम में आती हैं, इंटरकोस्टल पेशियां ये निःश्वसन पेशियां हैं, सांस को लेने में अहम भूमिका निभाती हैं इंटरकोस्टल पेशियां। अगला क्वेश्चन आपका 13वां है, धूम्रपान से होने वाले किन्हीं दो रोगों के नाम लिखिए, कोई दो जो धूम्रपान से हो सकते हैं। तो पहला हमने बोला अस्थमा, दूसरा वात स्फीति, ये धूम्रपान से होने वाले रोग हैं। अगला क्वेश्चन, एम्फिसीमा किसे कहते हैं? देखिए, हम जैसे ही पहाड़ों पर ऊंचाई पर जाते हैं तो हमारा दम घुटने लगता है, तो हम एम्फिसीमा को कैसे समझ सकते हैं? तो एम्फिसीमा में क्या होगा कि ऑक्सीजन की तो कमी होने लगेगी और CO2 की मात्रा बढ़ने लगेगी। अब जैसे ही CO2 की मात्रा बढ़ेगी तो हमें सांस लेने में दिक्कत होगी, तो सांस लेने में दिक्कत होगी तो दम घुटेगा, तो वही क्रिया एम्फिसीमा कहलाती है। मतलब O2 की कमी होना और CO2 की अधिकता से दम घुटना एम्फिसीमा कहलाता है। दम घुटना एम्फिसीमा कहलाता है। क्वेश्चन 15, डायफ्राम में छिद्र कर दिया जाए तो क्या होगा? अगर जो हमारी सांस लेने की जो दूसरी मुख्य अंग है डायफ्राम, उसमें छिद्र कर दिया जाए तो क्या होगा? तो श्वसन बंद हो जाएगा, श्वसन की क्रिया नहीं होगी, श्वसन बंद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, श्वसन के विनिमय में प्रयुक्त गैसें कौन कौन सी है? ध्यान देना कि श्वसन में प्रयुक्त या श्वसन के विनिमय में, मतलब लेना और छोड़ने में कौन सी गैसें काम में आती हैं? तो O2 और CO2 गैसें श्वसन के विनिमय में प्रयुक्त होती हैं। अगला क्वेश्चन है 17वां, विश्राम अवस्था में कौन सी क्रिया निष्क्रिय रहती है? विश्राम अवस्था में, सामान्य अवस्था, नॉर्मल में, देखो निःश्वसन तो होगा लेकिन विश्राम अवस्था में उच्च श्वसन की क्रिया निष्क्रिय रहती है। तो देखिए, विश्राम अवस्था में कौन सी क्रिया निष्क्रिय होगी? उच्च श्वसन। क्वेश्चन 18वां, कंठ को सहारा प्रदान करने वाली उपास्थियों के नाम लिखिए, वो उपास्थियां जो कंठ को सहारा प्रदान करती है, किन्हीं दो के नाम लिखने आपको। तो एक है थायराइड, दूसरी है क्रिकॉइड, क्रिकॉइड ये कंठ को सहारा प्रदान करने वाली दो उपास्थियों के हमने नाम लिखे हैं, दो ही पूछे हैं इन्होंने। अगला क्वेश्चन है 19वां, नासा मार्ग को बनाने वाली अस्थियां कौन कौन सी है जो नासा मार्ग का निर्माण करती है? देखिए, पहली है नेजल, दूसरी प्री मैक्सिला, तीसरी मैक्सिला, चौथी एथेमोइड, ये सभी अस्थियां किसका निर्माण करेंगी? नासा मार्ग का निर्माण करेंगी। 19 क्वेश्चनों में, 20वें क्वेश्चन को देखते हैं, गैसीय विनिमय में प्रयुक्त स्थान है कि गैसों के विनिमय में कौन सा स्थान काम में आता है, या फेफड़ों में ऐसी कौन सी जगह है जो गैसों के विनिमय में प्रयुक्त होती है? तो वायुकूपिकाएं, वायुकूपिकाएं गैसों के विनिमय में प्रयुक्त होती हैं। क्वेश्चन नंबर 21, शरीर में रासायनिक ऊर्जा किस रूप में होती है? तो शरीर में रासायनिक ऊर्जा एटीपी के रूप में होती है। क्वेश्चन 22, ध्वनि उत्पादक अंग कौन से हैं जो ध्वनि का उत्पादन करते हैं? तो ध्वनि उत्पादक अंग कंठ है, इसे लैरिंग्स कहते हैं, लैरिंग्स कहा जाता है। तो ध्वनि उत्पादक अंग, मनुष्य में ध्वनि उत्पादक अंग कौन से होंगे? लैरिंग्स या कंठ। क्वेश्चन 23, फेफड़ों के चारों ओर के आवरण को क्या कहते हैं, या यूं कहें कि फेफड़ों के चारों ओर का आवरण कैसा होगा? तो कहेंगे दो प्लूरा आवरण, यानी दोहरे प्लूरे आवरण से फेफड़े घिरे रहते हैं। अगला क्वेश्चन 24, निमोनिया रोग का रोगाणु है या रोगजनक कौन है निमोनिया का? तो निमोनिया रोग का रोगजनक है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी।
क्वेश्चन नंबर 25, श्वास नली में किस आकृति के छल्ले होते हैं? श्वास नली में किस आकृति के छल्ले होते हैं? तो श्वास नली में सी आकृति के छल्ले होते हैं। हमने बताया था कि सी आकृति के छल्ले श्वास नली को पिचकने नहीं देते। अगला क्वेश्चन है 26वां, श्वास नली में छल्ले किसके बने होते हैं, या श्वास नली में छल्ले किन उपास्थियों के बने होते हैं? तो ध्यान दीजिए, श्वास नली में हायलिन उपास्थियों से बने छल्ले होते हैं, हायलिन उपास्थियों से निर्मित। अगला क्वेश्चन आपका है 27वां, फेफड़ों की सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है, या यूं कहें कि फेफड़ों की सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई है तो फेफड़ों की सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई होगी वायु कुपिकाएं, जो श्वसन स्थल भी होती हैं और गैसों के विनिमय में प्रयुक्त स्थान भी वायु कुपिकाएं होती हैं, और वायु कुपिकाओं की संख्या लगभग 60 करोड़ होती है, 60 करोड़ लंग्स के अंदर। क्वेश्चन 28, श्वसनी किस उपकला से आस्तरित होती है, यानी श्वसनी किस उपकला से घिरी रहती है? तो श्वसनी पक्षमावी उपकला से घिरी रहती है, पक्षमावी उपकला। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बारी बारी से ध्यान पूर्वक देखिए। क्वेश्चन 29, फेफड़ों में पिंडों की संख्या कितनी होती है, दोनों फेफड़ों में, यानी फेफड़ों में, देखो फेफड़ों में लिखा है मैंने, फेफड़ों में पिंडों की संख्या, तो फेफड़ों में पिंडों की संख्या 5 होगी। देखो दाएं पिंड में 3 होंगे, बाएं पिंड में 2 होंगे। अब यहां पर क्वेश्चन अगला है 30वां, दाएं फेफड़े में पिंडों की संख्या होती है, तो दाएं फेफड़े में पिंडों की संख्या 3 होती है। क्वेश्चन 31, फेफड़ों का वजन कितना होता है, तो एक फेफड़े का वजन 450 ग्राम के लगभग होता है, तो यहां पर पूछा गया फेफड़ों का वजन, मतलब दोनों फेफड़ों का वजन, तो 900 ग्राम के लगभग होगा। क्वेश्चन 32, फेफड़ों का रंग कैसा होता है, तो फेफड़े गुलाबी रंग के होते हैं, फेफड़ों का रंग गुलाबी होता है, फेफड़ों का रंग कैसा होगा, गुलाबी। अगला क्वेश्चन है 33वां, जैव क्षमता आयतन कितना होता है, जैव क्षमता, तो जैव क्षमता आयतन होता है 4600 ml। हमने ब्रिज लेक्चर में बता दिया था आपको कि जैव क्षमता का मान, टोटल मान होगा 4600 ml। क्वेश्चन 34वां, फेफड़ों की उत्पत्ति कहां से होती है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फेफड़ों की उत्पत्ति कहां से होती है, उत्पत्ति कहां से होती है, तो फेफड़ों की उत्पत्ति भ्रूणीय एंडोडर्म से होती है। क्वेश्चन नंबर 35, श्वास नली की लंबाई कितनी होती है, तो श्वास नली की लंबाई 12 सेंटीमीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 36, ग्लोटिस को ढकने वाली संरचना क्या कहलाती है, तो ग्लोटिस को ढकने वाली संरचना एपिग्लोटिस कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 37वां, कंठ की गुहा क्या कहलाती है, तो कंठ की गुहा कंठ कोश कहलाती है, कंठ कोश। अगला क्वेश्चन है, स्वर रज्जु कहां उपस्थित होते हैं, तो स्वर रज्जु एरेटिनोइड उपास्थियों में स्थित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, मानव में दूसरा श्वसन अंग है, तो मानव में दूसरा श्वसन अंग है डायफ्राम, मानव में दूसरा श्वसन अंग होगा डायफ्राम, डायफ्राम नहीं हो तो श्वसन की क्रिया नहीं होगी। आज हमने बात करी 40 इंपोर्टेंट क्वेश्चन की लेसन 23 में श्वसन तंत्र के अंदर, तो इनको ध्यानपूर्वक आप पढ़ें, बड़े ही काम आने वाले क्वेश्चन आपके हैं।